हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.2 एंड वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स. ओके, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है. इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा कर इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका प्रॉपर्टी क्या होती थी आपकी, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी. दैट मीन्स पहले हम क्या करते थे, ए को आउट ऑफ ब्रैकेट लेते थे, बी और सी को ब्रैकेट में लेंगे, फिर ए और बी ब्रैकेट में जाएगा और आउट ऑफ ब्रैकेट आपका सी जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही आपको थ्री नंबर्स दिए हुए हैं, ए बी एंड सी. तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. कैसे करेंगे देख लीजिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं. थर्ड का ए देखेंगे, 4 इंटू 572 इंटू 50. ओके, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो क्या करेंगे हम, ए बी और सी चाहिए, तो ए बी एंड सी ये आपके थ्री नंबर्स हो गए. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ए की प्लेस पर क्या आएगा आपका, 4 इंटू 572 इंटू 50 इज इक्वल टू 4 इंटू 572 इंटू 50. ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे. ठीक है, आफ्टर दैट हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 2 ज़ा ये 0 का 0 लिख लेंगे, 5 2 ज़ा 10 वन ऑन कैरी, 5 7 ज़ा 35 1 36 3 ऑन कैरी, 5 5 ज़ा 25 एंड 3 28 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 7 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28. ठीक है, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 एंड 2 22 इंटू हो जाएगा आपका 50. ठीक है, नाउ 0 की 0 इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24 4 2 ऑन कैरी, 4 8 ज़ा 32 और 2 हो जाएगा आपका 34, 4 3 ऑन कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 हो जाएगा 11. ठीक है, वैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका 1,14,400. यहाँ भी क्या हो गया, 1,14,400. ये दोनों आंसर क्या हो गए, सेम. दैट मीन ठीक है, ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट. ओके, नाउ वी सी सेकेंड क्वेश्चन देख लेंगे. ठीक है, बी बी है आपका 624 777 into 60. ओके, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, इसमें भी अपन अप्लाई करेंगे, ए बी और सी हो गए. ठीक है, पहले हम लेंगे क्या, ए इंटू बी इंटू सी, दैट मीन्स 716 इज इक्वल टू 625 इंटू 777 एंड आउट ऑफ ब्रैकेट हो जाएगा आपका 60. इनको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे. सबसे पहले हम कर लेंगे इन दोनों का. ठीक है, तो 16 की टेबल आती है तो 16 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 6 से कर लीजिए. ठीक है ना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को तो आती नहीं होगी 16 की टेबल, है ना. लर्न करना है आपको 20 तक टेबल. ठीक है, लर्न होनी चाहिए. तो अभी हम कर लेते हैं 6 से, 6 7 ज़ा 42, 2 4 कैरी, 6 7 ज़ा 42 और 4 हो जाएगा आपका 46, 6 7 ज़ा 42 एंड 4 हो जाएगा आपका 46. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 777 क्योंकि 1 ज़ा है, 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7. 2 ये हो जाएगा आपका 3, 1 ऑन कैरी हो जाएगा 14, 1 ऑन कैरी तो ये हो जाएगा आपका 12. ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, 1 2 4 3 2 इज इक्वल टू. ठीक है, यहाँ भी आपका हो जाएगा क्या, 625 का हम 777 में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, कर लेते हैं आप 625 इंटू 777 तो हो जाएगा आपका
फाइव सेवन ज़ा 35, सेवन टू ज़ा 40 और 3 हो जाएगा आपका 17, वन कैरी, सेवन सिक्स ज़ा 42 एंड 1, 43, ठीक है, यही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू 5, 7, 3, 4, क्योंकि तीनों जगह क्या है 7, तो सेम मल्टीप्लाई रहेगा, तो हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 12, 2, 1 ऑन कैरी, तो ये हो जाएगा आपका 12, 12 1, 13 और 3 हो जाएगा 16, 7, 1, 8, 8 और 4 हो जाएगा आपका 12 और 3 हो जाएगा 15, 1 ऑन कैरी, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 4, इनका मल्टीप्लाई करके आया आपका 4, 8, 5, 6, 2, 5 इंटू 16 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे अपन, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 77,70,000, 77,70,000 ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, यही हो जाएगा आपका आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन सी एंड डी इज योर होमवर्क, ठीक है, बहुत आ क्वेश्चन आ होमवर्क, ठीक है, आपको ये दोनों आपको घर पे करके देखने हैं, ठीक है, यदि नहीं बनते तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, पर सेम प्रॉपर्टी लगानी है, सेम इसको जैसे हमने ए और बी कराया है बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही आपको इनको करना है, ठीक है। अब हम करते हैं, स्विच करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इनको, तो आपका फर्स्ट जो है आपका क्या है 4 का ए देख लेंगे, 4 का ए है आपका 952 × 15 − 5 × 952, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब हमें देखना है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, सॉल्यूशन में देखेंगे, ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम क्वेश्चन ही राइट कर लेते हैं, इंटू 15 माइनस 5 इंटू 952, ठीक है, यहाँ से हमने देखा 952 दोनों में है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 952 को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आ गया आपका 15 और यहाँ बचा माइनस 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिंप्लीफाई, तो 952 यहाँ पे आपका इंटू का साइन रहेगा, 15 में से माइनस 5 करेंगे तो आपका बचेगा 10 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ईजिली आंसर आ जाएगा 9,520, ये हो गया आपका सिंप्लीफाई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है सॉल्व करना, यदि आप इसको पहले इनको मल्टीप्लाई करते फिर इनको मल्टीप्लाई करते फिर माइनस करते तो बहुत लेंथी हो जाता, पर सिंप्लीफाई में हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी लगानी है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ यूज होगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, या यहाँ पे सॉरी बी प्लस सी या बी माइनस सी, तो ए का सबसे पहले बी में करते हैं और ए का सी में, बिल्कुल वही दिया हुआ है, तो हमने यहाँ से ए को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम है जैसा आपका ए था, बिल्कुल वैसे ही आपको बी करना है, तो ये आप घर से सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 1008 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और 8 और 92 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ स्विच करेंगे, यहाँ देख लेते हैं कुछ ऐसा है जो मिल रहा हो इन दोनों में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी है आपका 562 × 4 × 80 + 281 × 20 × 8 × 4, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है कैसे भी करके आपको, कोई भी प्रॉपर्टी से आप क्या करना है उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो क्या है आपका 562 × 4 × 80 + 281 × 20 × 8 × 4, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 80 है 4 है अपना, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 562 को एज इट इज रहने देते हैं 5 × 80, ठीक है, प्लस 281, तो यहाँ पे देखते हैं अपन 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका
4 to the 8, दैट मीन्स 80 into 8 है आपका, ठीक है। तो 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 into 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, 4 into 2, ठीक है। तो हमने देखा 562 into 4 into 80 प्लस 281 है आपका, 281 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 हो जाएगा 2, 8 2 16, 1 on carry, 2 2 4 and 1 5, ठीक है। इंटू क्या हो गया, 80 into 4। अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल दोनों सेम आ गए हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ से हम सब कुछ यदि हम कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इनको कॉमन ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सीधा इन दोनों का डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं कैसे। देखो 562 into 4 into 80, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 1 plus 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 562 into 4 into 80 into हो जाएगा 2। इनको 2 से मल्टीप्लाई करना, ये डबल टाइम भी आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, कैसे भी कर सकते थे आप, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 562 into 4 to the 8 और a हो गया 80, ठीक है। तो हम चाहें तो पहले इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, इंटू 8 8 ज़ा 64, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इजी होगा, तो यहाँ से इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 359,680, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी टाइप से आपको ये वाला क्वेश्चन हैंडल करना है, ठीक है। इसको जैसे भी आप कर सकें, ठीक है, या तो आपको ब्रेक करना है यहाँ पे, या फिर आपको क्या करना है, कुछ कंबाइन करके इसको निकालना है, ठीक है, जिस टाइप से हमें यहाँ किया था, ठीक है। तो इसको करके देख लीजिएगा। अब हम स्विच करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग नंबर। हमें क्या करना है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है, वो भी किसके लिए, एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी आप अपनी, वो होगी आपकी 5th का, अपन कौन सा देख रहे हैं, ए देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ए बी और सी दिया है, दैट मीन्स आपका 3 की वैल्यू हो जाएगी ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी हो जाएगा आपका 5 एंड सी हो जाएगा 7, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसी में हम क्या कर देंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है। तो हो जाएगा 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 8 प्लस 7, ठीक है। तो ये करेंगे तो हो जाएगा ये 15, और ये भी आपका क्या आ जाएगा, 15। ये हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस टाइप से करना है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से करना है आपको, क्या है आपका, 2 4 and 6, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो गई आपकी 2, बी की हो गई आपकी 4 और सी की वैल्यू हो गई आपकी 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 plus 4 plus 6 इज इक्वल टू 2 plus 4 plus 6, तो यहाँ से हो गया आपका 2 plus 10 इज इक्वल टू 6 plus 6, और ये हो जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स ये दोनों LHS इज इक्वल टू RHS आ गए, और यही हो जाएगा आपका आंसर 12, ठीक है। इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ़ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 6, सो दैट a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है। तो आपको ये शो करना है, जबकि आपको वैल्यू आपको a और b की दी हुई है, गिवेन, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, ठीक है। गिवेन में आपका क्या है, a इज इक्वल टू क्या है आपका 10 एंड b इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 6, ठीक है। तो शो क्या करना है आपको, कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 10, ठीक है।
तो 10 माइनस 6 हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस 4। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन ऑलवेज किसका रहता है बड़ी वाली डिजिट का, तो बड़ा वाला कौन है यहाँ पे 10 और 10 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा डज नॉट इक्वल। ठीक है, तो ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, टू बी प्रूफ। ठीक है, अब इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। ठीक है, सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं, वेयर ए इज इक्वल टू 256 एंड बी इज इक्वल टू दिया है आपका 175। यहाँ भी आपको सो क्या करना है, ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, तो हमने देखा 256 माइनस 175 डज नॉट इक्वल टू 175 माइनस 256 क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 5 हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 15, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस 81। ठीक है, माइनस करेंगे तो 81 आएगा पर साइन लगेगा किसका 256 का, क्योंकि 256 आपकी क्या है बड़ी डिजिट है, दैट्स वाई ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये भी आपका क्या हो गया टू बी प्रूव्ड। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देख लेते हैं। 8 की वैल्यू है आपकी 12 और बी की वैल्यू है 8 और सी है आपका 5, तो आपको ये प्रूव करना है कि ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं सॉल्यूशन में। ए इज इक्वल टू आपका कितना है 12, बी इज इक्वल टू आपका है 8 एंड सी इज इक्वल टू है आपका 5। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो हो जाएगा ये 12 माइनस 8 माइनस 5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 8 माइनस 5, तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 8 माइनस 5 हो जाएगा आपका 3, 12 माइनस 8 हो जाएगा आपका 4 माइनस 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस 3 हो जाएगा आपका क्या 9। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 माइनस 5, अब यहाँ पे 5 क्या है आपकी बड़ी डिजिट है, तो प्लस माइनस माइनस और साइन होता है आपकी बड़ी डिजिट का, तो क्या हो जाएगा माइनस 1, दैट मीन्स एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया टू बी प्रूव्ड। ठीक है, यदि ये दोनों इक्वल आ जाते तो ये क्या हो जाते अपन यहाँ पे लगा देते इक्वल का साइन, बट ये इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ डज नॉट इक्वल। ओके, आपको सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 9, वो आपको करना है। ठीक है, इट्स योर होमवर्क। ठीक है, घर पे करके आपको देखना है, यदि नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 10, वेरीफाई दैट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इफ ई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी फॉर ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, हमें दिया हुआ है आपको यहाँ पे, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे हम, क्वेश्चन कौन सा है आपका 10, सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5 एंड बी इज इक्वल टू है आपका 3, तो क्या दिया है आपको इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है आपका सी, तो ए क्या है आपका 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 हो जाएगा आपको 2, तो यहाँ से सी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2। तो वेरीफाई आपको क्या करना है, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है ए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी क्या है आपका 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी भी सेम है आपका, देख लेते हैं। ये है आपका ए और ये हो जाएगा आपका बी। सॉल्यूशन में देखेंगे वेयर ए इज इक्वल टू क्या है आपका 23 एंड बी इज इक्वल टू दिया है आपका 9। ठीक है, तो आपको क्या दिया था यहाँ पे, इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है आपका सी। तो यहाँ हो जाएगा 23 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ सी की वैल्यू क्या मिल गया आपको, 40। वेरीफाई क्या करना था आपको, ठीक है, टू वेरीफाइड करना था आपको बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है आपका ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बी हो जाएगा आपका 9 प्लस 40 इज इक्वल टू क्या है आपका 23। तो 9 प्लस 14 आपका क्या हो जाएगा 23 इज इक्वल टू 23। तो ये हो जाएगा आपका एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दैट मीन्स टू बी प्रूव्ड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है इफ ए इज इक्वल टू 4 बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 6 फाइंड द फॉलोइंग। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो हम फाइंड कर लेंगे क्या, 11 का है आपका ये ए, सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है, ए इज इक्वल टू है आपका 4 एंड बी इज इक्वल टू है 3 एंड सी इज इक्वल टू दिया है आपका क्या 6। प्रूफ क्या करना है, ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, मतलब इनकी सॉरी प्रूफ नहीं करना है, इसमें फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ए कितना है आपका 4 इंटू 3 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 3, क्योंकि 6 बड़ा है। ठीक है, साइन इसका 6 का आएगा माइनस, और 4 माइनस 4 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 थ्री ज़ा 12, और माइनस क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा ये। ठीक है, 4 थ्री ज़ा 12 दैट मीन्स माइनस 12, यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अब फाइंड करना है आपको सेकेंड है आपका ए बी माइनस ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे बी देख लेंगे, बी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू क्या दिया था आपका 4, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू दिया है 6। तो आपको फाइंड करना है ए बी माइनस ए सी। ठीक है, तो ए क्या है आपका 4, यहाँ कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है मल्टीप्लाई, ए 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 थ्री ज़ा 12 माइनस 4 सिक्स ज़ा 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 12 आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, दोनों में आपको क्या आया आंसर सेम माइनस 12। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 13 और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में एक ही क्वेश्चन है आपका, क्या दिया है आपको, इफ ए इज इक्वल टू 84 एंड बी इज इक्वल टू 4 वेरीफाई वेदर ए डिवाइडेड बाई बी डज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना है आपका 84। ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या दिया है 4। ठीक है, डिवाइड का वेरीफाई क्या करना है, ए डिवाइडेड बाई बी डज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, देख लेंगे हम, 84 डिवाइडेड बाई 4 डज नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 84। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, आप डायरेक्ट यहाँ डिवाइड करके देख लीजिएगा, 4 टू ज़ा 8 एंड 4 वन ज़ा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 21। अब जब आपको इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 अपॉन 84 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 21। ठीक है, जो कि दोनों ही आंसर क्या है, बहुत डिफरेंट है, दैट मीन्स एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, कि ए डिवाइडेड बाय बी डज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए। ओके,